हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक नया प्रोडक्ट लेके आ गए हैं भाई। और जो आज का प्रोडक्ट रहने वाला है भाई, वो है ओरिवा का रैकेट। ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो एक बार इसको जल्दी से कर लेते हैं ओपन, और फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें कैसा क्या प्रोडक्ट रहने वाला है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें मिल जाती है ओरिवा की ब्रांडिंग। और ये जो इसका नेट एरिया है दोस्तों, ये काफ़ी बड़ा है, ठीक है। और इसके साथ हमें मिल जाती है एक टॉर्च, ये देखो, टू इन वन है दोस्तों। और यहाँ पे हमें मिल जाती है चार्जिंग पिन, ये देखो। इनमें दो तरह के मॉडल होते हैं दोस्तों। एक तो ये चार्जर टाइप का होता है, इसको ऐसे प्लग में लगा दिया और फिनिश। और एक होता है केबल वाला चार्जिंग, आपको दिखाता हूँ। दूसरी जो टाइप होती है दोस्तों, उसमें इस तरह की साथ में मिलती है और इससे चार्ज करते हैं। इसका एक बेनिफिट और भी है भाई, इसको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एज ए टॉर्च भी यूज कर सकते हैं, ये देखिए, ठीक है। और चार्जिंग के लिए भी हमें पूरा बल्ला साथ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसको यहाँ से रिमूव किया और खाली इसको चार्जिंग पे लगा देंगे यहाँ से, ठीक है। ये तो रहा इसकी चार्जिंग की बात। और यहाँ पे हमें किसी कील वगैरह में टांगने के लिए भी एक हुक टाइप का दे रखा है, ठीक है। इसको आराम से कहीं पर भी, ठीक है। और जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और ये रेडी टू यूज है। इसको यहाँ से करेंगे पावर ऑन, इधर तो टॉर्च हो जाती है और इधर हो जाता है ये ऑन। और फिर अब इसको दबाएंगे, यहाँ पे आप देख रहे हो एक ब्लू कलर की लाइट जल रही है, जिसको देख के मच्छर आकर्षित होते हैं इसकी तरफ, आते हैं और ये अपना काम करना शुरू कर देता है। अभी आपको इसकी टेस्टिंग दिखाते हैं। ये देखो, ये इसमें दोस्तों 3 लेयर की लीक प्रूफ प्रोटेक्शन होती है, मतलब मच्छर एक बार अंदर घुस जाए बाहर नहीं निकल सकता, ठीक है। और ये जो कवरिंग एरिया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसकी कॉस्ट दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन, लोकल मार्केट में और ऑनलाइन दोनों जगह सेम है, ये 450 का है, 450 रुपये का, ठीक है। अभी आपको दिखाते हैं इसका, ये देखो, काफ़ी पावरफुल करंट है, चट चट की आवाज़ आती है। 400 mAh की बैटरी रहती है भाई इसमें, ठीक है। और जो चार्जिंग टाइम रहता है वो रहता है 8 से 10 घंटे। और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा भाई मेरे को। इसके साथ हमें मिल जाती है भाई 6 मंथ की वारंटी, ठीक है। इसमें वैसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, और यदि आती है तो ये अंडर वारंटी रहता है। आज के वीडियो में दोस्तों आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, ये होता है दोस्तों रॉक लाइट का, ठीक है। ये 250 रुपये का आता है, इसके साथ हमें चार्जिंग के लिए इस टाइप की केबल मिलती है, ये देखो। इसको यहाँ पे लगाएंगे और इसमें प्लग में लगा देंगे। इसका थोड़ा सा अंडाकार शेप में है दोस्तों, ये वही 3 लेयर की प्रोटेक्शन इसमें होती है। बाहर जो ये सेफ्टी ग्रिल होती है, अंदर वर्किंग ग्रिल होती है, जिस पे मतलब मच्छर बैठते हैं तो मर जाते हैं। इसमें हमें यहाँ पे टॉर्च मिलती है, उस टॉर्च से इसका बड़ा साइज़ है थोड़ा सा। ये दोस्तों मैंने 1 साल यूज़ कर लिया, अब मैंने इसकी टॉर्च जो है घर पे निकाल दी है, क्योंकि ये पावर कंजम्पशन ज़्यादा कर रही थी। मच्छर मारने के लिए इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। समय के साथ थोड़ी सी इसकी बैटरी डाउन हो जाती है, साल के भी शायद 2 साल हो गए भाई,
इसकी थोड़ी सर्विस करी और यह अभी तक वर्किंग मोड में है। आप देख सकते हो ये लाइट जल रही है, ये देखो बैटरी डाउन है, चार्ज भी कम हो रखा है और वैसे समय के साथ भी जो आपको बता रहा था बैटरी डाउन हो जाती है। यदि आप अब इनमें बात करें कि इनमें से हमें कौन सा लेना चाहिए, एक तरफ है रॉक लाइट का 250 रुपये का, एक तरफ है ओरिवा का 450 रुपये का, तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि हमें इसकी तरफ जाना चाहिए। इसका मेन बेनिफिट यही है, ये टॉर्च की टॉर्च 150 रुपये तक की टॉर्च हमें मिलती है, ऐसी ब्रांडेड है, ठीक है। और ये जो इसका नेट एरिया ये भी इससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। और मेन बात करते हैं स्विच की, इसके जो बटन है दोस्तों मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे, ये ख़राब हो जाते हैं, ऐसे जाम हो जाते हैं, छोटे बटन होते हैं। अभी मैंने इसको खोल के इसकी सर्विस करी थी, तेल पानी करे थे जब चालू हुए, नहीं तो ये पूरी तरह से जाम हो गए थे, ना तो ऑन हो रहे थे ना ऑफ हो रहे थे, ठीक है। और ये बटन प्रेस करने में भी दिक्कत हो रही थी। और यदि इनकी बात करें तो इसमें हमें कुछ थोड़ा सा और बढ़िया क्वालिटी का मटेरियल मिल जाता है बटन में। और ये जो पुश बटन दे रखा है इसमें, ये भी कुछ थोड़ा ठीक क्वालिटी का लग रहा है भाई। और इसकी जो ये लाइट है ये थोड़ी छोटी है, ये पावर कंजम्पशन इसका कम रहता है, बैटरी कम लेगी एक बार चार्ज होने के बाद में, क्योंकि इतनी बड़ी टॉर्च की हमें आवश्यकता नहीं होती है मच्छरों को अपनी तरफ खींचने के लिए, ठीक है भाई। आज के वीडियो में बस इतना ही, आपको पता चल गया होगा कि कौन सा रैकेट हमें लेना चाहिए, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको और अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे, नए प्रोडक्ट की वीडियो, ठीक है, कंपैरिजन वीडियो। तो आपको कैसा लगा कंपैरिजन का वीडियो ये भी मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों, राम राम।